अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है चना चाट, यानी इमली वाला चना चाट। तो इसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, चने ले लेने हैं। चने इस तरह से बॉईल कर लेने हैं, इतने बॉईल कर लेने हैं कि ये बिल्कुल इस तरह से नरम हो जाएं। उसके बाद आपने आलुओं को भी 5 मिनट के लिए कुकर में बॉईल कर लेना है, जो कि इस तरह आप देख सकते हैं बिल्कुल टूट रहे हैं। आपने उसके बाद टमाटर लेने हैं, टमाटर भी बिल्कुल बारीक काट लेने हैं। उसके बाद प्याज ले लेना है, प्याज को लच्छेदार बारीक करके काट लेना है। इसके अलावा आपने इमली को डुबो के रख लेना है इस तरह से पानी में, और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह डुबो के रखना है ताकि ये नरम हो जाए। उसके बाद आपको चाट मसाला चाहिए हसबे जायका। ये बहुत ही आसान और जल्द बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आलुओं को भी इस तरह से बारीक काट लीजिए। ये देखिए आलू हमारे काट चुके हैं। इसमें सबसे पहले अब आपने टमाटर मिक्स कर लेने हैं, साथ ही आपने इसमें हरी मिर्चें जितनी आप डालना चाहें उतनी डाल लें, जिस हिसाब से आप खाते हैं। बाद आपने इसमें ऐड करने हैं जी प्याज। नमक इसमें आपने नहीं मिलाना, नमक ऑलरेडी चाट मसाला जो तैयार चाट मसाला मिलता है उसमें पहले से डला हुआ होता है, लेकिन आपने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो चाट मसाला यूज़ करना है। इतना यूज़ करना है कि जितना आप इस्तेमाल करते हैं रूटीन के दौरान। अब चलते हैं अपनी इमली की तरफ। इमली ये देखें नरम हो चुकी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी इस तरह से गुठलियाँ जो हैं वो अलग कर लेनी हैं। हमने इसमें से सारी गुठलियाँ जो हैं वो निकाल ली हैं। अब हम इसे अपने चाट मसाले जो हमने चीज़ें तैयार की थी उसमें डालते हैं। इस तरह से आप इसको मिक्स कर लें। एंड में मैं आपको एक ऐसा इंग्रेडिएंट बताऊंगी जो आप इसमें यूज़ करें तो आपके ये चने वगैरह अक्सर लोगों के पेट में दर्द वगैरह करते हैं मैदे में, उससे ना आपके पेट में दर्द होगा और ना आपका मैदा ख़राब होगा। ये है हमारा असल इंग्रेडिएंट, इसको कहते हैं सफ़ेद पुदीना यानी वाइट मिंट। ये बहुत अच्छा होता है मैदे वगैरह के दर्द जब हो कोई, फिर उस वक्त ये अक्सर लोग इसका कहवा भी बना के लेते हैं। ये भी आप लाजमन इसमें शामिल कीजिए, इसका इससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और इससे आपके मैदे वगैरह में दर्द भी नहीं होगा। हमारी वीडियोस को जरूर लाइक किया करें, हो सके तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।